खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के डिवीजन रक्षांत से हमारे नुमाइंदा चाकर बलोच से। खारान के शहरी चाय के शौकीन हैं और कोयले की चाय का तो अपना मजा है। खारान में कोयले की चाय बनाने वाले कदीमी नाको फकीर मोहम्मद होटल की चाय कोई ना पिए ये हो ही नहीं सकता। सर्दियों के मौसम में कोयले की चाय की मांग में इजाफा होता है। नाको फकीर मोहम्मद के होटल में सालों से गर्मी हो या सर्दी कोयले पर ही सब्ज स्याह और दूध वाली चाय मिलती है। नाको फकीर मोहम्मद के कोयले की चाय पीने के लिए न सिर्फ खारान के मुख्तलिफ दूर दराज देहातों से लोग आते हैं बल्कि नोशकी दाल बद्दीन वाशुक से भी उनकी चाय के दिल दादा गाहक आते हैं। नाको फकीर के होटल में सब्ज हो या स्याह और दूध वाली चाय सफाई से तैयार होती है। कोयले पर सफाई और मेहनत से तैयार होने वाली चाय का अपना जायका होता है। कोयले की चाय में इलायची डालकर अच्छी उबाल पूरा दिन चाय पीने का नशे को पूरा करके थकावट दूर कर देती है। वैसे तो खारान में कई होटल हैं, मगर नाको फकीर मोहम्मद होटल की चाय होटल के अलावा बाजार के करीबी दुकानों में भी ले जाई जाती है। होटल के मालिक नाको फकीर मोहम्मद और दीगर का कहना है मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।